हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं ट्रेड विद अरुण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 1 सितंबर है और आप सभी को पता है कि आज से सेबी की जो 4th गाइडलाइंस हैं, यानी फेज 4th था सेबी का, जिसमें 100% पीक मार्जिन एप्लीकेबल हो गए हैं। यानी कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन या डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, तो आज से आपको कोई मार्जिन नहीं मिलने वाला, चाहे इंट्राडे हो या डिलीवरी हो। तो उसी में मैं आपको बताऊंगा कि अभी एंजल ब्रोकिंग में आपका कितना रुपये लगेगा, कैसे क्या ट्रेड होगी। तो अभी आप देख सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग का ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें मेरे पास अभी मार्जिन जो अवेलेबल है वो करीब 32,000 रुपये है। तो इसी में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट का दूर का स्प्रेड आप कितने में बना सकते हैं। आपको लाइव ट्रेड प्लेस करके भी दिखाऊंगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे मार्जिन से रिलेटेड। जो भी ट्रेड करने वाले हैं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको अभी स्प्रेड भी बना के दिखाऊंगा इस वीडियो में, और सबके सब आपको और लाइव ऑर्डर भी प्लेसमेंट करके दिखाऊंगा। तो अब हम इसमें सेंसिबल से लॉगिन कर रहे हैं अपना। सेंसिबल का मैंने प्लान परचेस करके रखा है, तो एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट से हम सेंसिबल के थ्रू लॉगिन करेंगे। तो ये मैंने अकाउंट लॉगिन कर लिया है और हम सीधे चलेंगे स्ट्रेटजी बिल्डर पर। तो इसमें देखेंगे, पहले निफ्टी में देखेंगे कि निफ्टी में कितना मार्जिन लगेगा कितने दूर का स्प्रेड बनाने पर। तो भी आप देख सकते हैं, निफ्टी की करंट प्राइस करीब 17,110 के आसपास चल रही है। तो सपोज़ कीजिए कि मुझे 17,000 का पुट अगर सेल करना है, मैं आपको इसमें सिर्फ आपको दिखाता हूँ। तो 17,000 का अगर मैं पुट सेल करूँगा, जो चल रहा है 25 रुपये के आसपास, तो अभी देखिए इसको करने में कभी आपको नेकेड अगर करना हुआ तो करीब 1,00,000 रुपये मार्जिन रिक्वायर्ड है। क्योंकि चूंकि निफ्टी का लॉट 50 का हो गया, अब 1,00,000 रुपये रिक्वायर्ड होता है, पहले 1,60,000 होता था। तो अब हम इसको कम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको हेजिंग के थ्रू कम। अब हेज कैसे करेंगे, 17,000 का पी मैंने सेल किया है, तो सपोज़ कीजिए मैं 500 पॉइंट दूर का अगर पुट बाई कर लेता हूँ, तो देखिए वो मिल रहा है करीब 3-3.5 रुपये में। तो मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो के आ गया 40-41,000 रुपये के आसपास। तो एक तो हेजिंग करने का बेनिफिट ये मिल जाता है कि मार्जिन डिक्रीमेंट बहुत हो जाता है, और एक आपका मैक्सिमम लॉस जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो अभी आप अगर मैं बोलूँ इसका एज अ कंक्लूजन, मैं आपको ऑर्डर प्लेस करके दिखाऊंगा कि निफ्टी में अगर 500 पॉइंट दूर का आपको स्प्रेड बनाना है, तो आपको कम से कम 42-43,000 रुपये अपने अकाउंट में रखना होगा। अभी हमारे पास 32,000 रुपये हैं, तो देखिए मैं इसको कम करके ले आया हूँ, तो हम 300 पॉइंट दूर तक का स्प्रेड बना सकते हैं। इसमें वो स्ट्रेट को करने के लिए देखिए, अभी 16,700 का पी अगर मैं बाई करूंगा इसी में, तो मुझे मार्जिन कितना रिक्वायर्ड होगा, सिर्फ 30,950 रुपये फंड होना चाहिए, तो मेरा मार्जिन ब्लॉक 29,000 कुछ होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके की चीज़ें, कि आपको अगर 32,000 रुपये, अगर आपके खाते में अगर 35,000 रुपये हैं, तो आप समझिए कि 300-350 दूर तक का स्प्रेड आप बना सकते हैं निफ्टी में। अब मैं आपको यहाँ पर आप लाइव ऑर्डर प्लेस करके भी दिखाऊंगा। देखिए जैसा आप स्प्रेड के क्लोज आते जाएंगे, मतलब जो जैसे अगर आप ऑप्शन सेलिंग 17,000 रुपये करना चाहते हैं, तो उसके क्लोज जितना आएंगे उतना का मार्जिन डिक्रीमेंट आपका होता जाएगा। तो अगर आप 100 पॉइंट दूर का ही करते हैं, तो 25-26,000 में भी ऑप्शन सेलिंग आप कर सकते हैं। तो इस ट्रेड में हम कितना कर सकते हैं, चूंकि हमारे पास 32,000 रुपये हैं, तो हम 300 पॉइंट दूर का स्प्रेड बनाएंगे। और देखिए ये कर लिया है मैंने, तो करीब मुझे बता रहा है कि 30,946 रुपये मेरे खाते में होना चाहिए। तो मैं ट्रेड ऑल पर क्लिक करूँगा और देखिए ऑर्डर प्लेस लग जाएगा। ऑर्डर प्लेस मैंने, ये एक विंडो ओपन होगी सेंसिबल की, इसमें मैं आपको इंट्राडे में ही ऑर्डर प्लेस करके दिखाऊंगा। अब इंट्राडे में करिए या एनआरएमएल में करिए, दोनों बात बराबर है, क्योंकि मार्जिन आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप एनआरएमएल में भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आज की आज पोजिशन स्क्वायर ऑफ करनी है तो फिर एमआईएस पे करिए। तो मैं आपको यहाँ एमआईएस में क्लिक करके दिखाता हूँ। तो एनआरएमएल की जगह पर मैं यहाँ पर एमआईएस सेलेक्ट करूँगा, और आप ये देख सकते हैं कि 30,949 बता रहा है फंड मेरे पास होना चाहिए, तो अपने पास उससे ज़्यादा ही है। तो एमआईएस पर क्लिक करेंगे, और एमआईएस पर क्लिक करने के बाद मार्केट ऑर्डर पे डालेंगे, क्योंकि कोई मतलब ऐसा ना हो कि एक ऑर्डर लगे ही ना, लिमिट में प्राइस नहीं आई तो ऑर्डर नहीं लगेगा, इसलिए मार्केट पर क्लिक करके देखिए ट्रेड ऑर्डर ऑल प्लेस ऑल ऑर्डर पर क्लिक करूंगा, तो दोनों ऑर्डर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलेंगे एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट पर और उसमें देखेंगे। तो एंजल ब्रोकिंग का ट्रेडिंग टर्मिनल है दोस्तों, ऑर्डर्स पर जाके देखते हैं। तो देखिए अपने एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में दोनों ऑर्डर लग चुके हैं अपने मार्केट प्राइस पर ही। अगर हम पोजिशंस में देखेंगे तो पोजिशन पर क्लिक करेंगे तो आपका दिखा रहा है, देखिए टोटल आपका लॉस प्रॉफिट जो भी होगा वो चल रहा होगा, अभी कुछ 25-26 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। दोनों पोजीशन हमारी चल रही है, जो ऑर्डर हमने वहाँ पे लगाए थे, फंड हमारे पास 32,000 था। अब आप देखिए यूज्ड मार्जिन 30,976, यानी 300 पॉइंट दूर का स्प्रेड इजीली हमने बना दिया निफ्टी में। अगर आपके पास 30-32,000 रुपये हैं, तो 300 पॉइंट दूर का देखिए स्प्रेड आपके सामने लाइव में करके दिखा रहा हूँ। तो आप अभी भी 30-35,000 जिनके पास है, 300 पॉइंट दूर का स्प्रेड आप बना सकते हैं। और अगर आपके पास 45,000 के आसपास है, तो 500 पॉइंट दूर निफ्टी में बहुत होता है, अच्छा एक स्प्रेड होता है 500 पॉइंट का। तो अगर 40-45,000 रुपये हैं, तो एंजल ब्रोकिंग में अभी भी आप वो कर सकते हैं। आप ये देख ही रहे हैं अपनी लाइव, इससे ये लाइव ट्रेडिंग नहीं है दोस्तों, ये सर मैं आपको मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप ये मार्जिन बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी अकाउंट ओपनिंग लिंक है एंजल ब्रोकिंग की, उससे अपना अकाउंट ओपन करिए, उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो आपको हमारा लाइफ टाइम
सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको कभी ब्रोकर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और उसके अलावा हमारा एक प्राइम टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें हम आपको ऐड करेंगे। नो डाउट दोस्तों, पिछले 2 महीने से मैंने उसमें कोई ट्रेड नहीं डाली है क्योंकि उसमें सिर्फ वही ट्रेड डालता हूँ मैं जो मैं खुद करता हूँ। तो 2 महीने से कुछ इश्यू चल रहे थे जिसकी वजह से मैं ट्रेड नहीं कर रहा था। अभी भी अगले 2-3 दिन और नहीं करूँगा, लेकिन 4-5 तारीख के बाद से फिर से आपको लाइव उसमें कंटिन्यू मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ। तो आपको वहाँ पर दिखेगा, क्योंकि अब मार्जिन सेटल हो गए हैं तो मुझे पता है कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा। आप कोई मार्जिन नहीं बढ़ने वाला है क्योंकि 100% मार्जिन एप्लीकेबल है आज से। तो अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, अभी जाके अपना अकाउंट फ्री में ओपन कराइए। उसके साथ साथ दोस्तों आपको प्राइम टेलीग्राम चैनल में तो ऐड करेंगे, साथ ही साथ आपको जो फर्स्ट मंथ की जो ब्रोकरेज आपकी जाएगी कंपनी में उसका 30% आपको रिफंड मिलेगा अगर आप लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये कुछ ऑफर्स हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा अकाउंट, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं हमसे, या फिर उस नंबर पर कॉल करके भी आपकी जो भी क्वेरी हो हम आपको सॉर्ट आउट कर देंगे। इसके अलावा जो भी लोग इस चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो भी अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। अभी दोस्तों वीडियो एंड नहीं हुआ है, इस ट्रेड को हम स्क्वायर ऑफ करेंगे, आपको बैंक निफ्टी में भी बताएंगे कि कितना मार्जिन लगने वाला है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये तो आप जानते हैं एक क्रेडिट स्ट्रेटजी है। इस क्रेडिट स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि मैं मेन पैसा अपना ऑप्शन सेलिंग से बनाना चाहता हूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं सर इस क्रेडिट स्ट्रेटजी में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता है, तो उनके लिए डेबिट स्ट्रेटजी में कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा मैं आपको बैंक निफ्टी में वो करके भी दिखाऊंगा। तो इसको स्क्वायर ऑफ करते हैं। एंजल ब्रोकिंग में ये भी फैसिलिटी होती है कि आप एक साथ सारे ऑर्डर स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो जो पेनल्टी जिन पे लगती है, पेनल्टी क्या होती है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था आप उसको जाके देखिए, बहुत डिटेल में बताया था। तो अगर आप एग्जिट ऑल करेंगे तो आप पेनल्टी से ही बच जाएंगे, याद रखिएगा। तो देखिए अब हम फिर से हमारे पास अवेलेबल मार्जिन, हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया ट्रेड, तो फिर से हमारे पास वही 31,931 के आसपास यानी 32,000 के आसपास का मार्जिन अवेलेबल है। अब हम फिर से चलते हैं सेंसिबल में, इस बार हम बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी आप देखेंगे तो अगर एट द मनी स्ट्राइक देखेंगे तो 36,700 के आसपास की स्ट्राइक प्राइस हमारी अभी एट द मनी चल रही है 36,700। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि अगर मुझे सपोज़ कीजिए यहाँ पे भी एक बुलिश स्ट्रेटजी बनानी होती है, मैं ऑप्शन सेलिंग में क्रेडिट स्ट्रेटजी की बात करूँ, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि 1,000 पॉइंट दूर के लिए आपको कितना मार्जिन लगेगा। तो अगर देखिए 36,700 की अगर आप पुट सेल करते तो इसके लिए मार्जिन पूरा दिखा रहा है 1,60,000। अगर सिर्फ नेकेड करेंगे तो इंट्राडे कर लीजिए चाहे डिलीवरी कर लीजिए, 1,60,000 ही लगेगा। लेकिन देखिए मैं 1,000 पॉइंट दूर का स्प्रेड अगर बना देता हूँ यानी 1,000 पॉइंट का दूर का पुट मैं बाई कर लेता हूँ तो वही मार्जिन मेरी रिक्वायरमेंट 42,000 रुपये पे आ गई। तो यानी 45,000 रुपये अगर मेरे पास हैं तो मैं निफ्टी में 500 पॉइंट दूर का स्प्रेड और बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट दूर का स्प्रेड ईजिली बना सकता हूँ, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अगर आप दोस्तों सोच रहे हो कि मुझे सेंसिबल के थ्रू ही करना पड़ेगा क्या, तो नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप सेंसिबल का प्लान परचेस नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप खुद के जो मोबाइल ऐप है एंजल ब्रोकिंग का उसमें जाके पहले बाय ऑर्डर लगाइए फिर सेल ऑर्डर लगाइए, सेम मार्जिन बेनिफिट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों देखिए अभी हमारे पास 45,000 नहीं, हमारे पास 32,000 है। तो हम स्प्रेड को थोड़ा सा लेके आते हैं कि कितने दूर का स्प्रेड हम बना सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने 36,700 की पुट सेल की है और 36,000 का ये अगर पुट बाई कर लेते हैं तो 600-700 पॉइंट दूर का स्प्रेड आप 32-35,000 रुपये बना सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, क्रेडिट स्ट्रेटजी नहीं, इसमें आपको डेबिट स्ट्रेटजी बना के दिखाऊंगा कि 24-25,000 में भी कितनी अच्छी तरीके से एक बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड बन सकती है। और चूंकि आज अगर मैं IV की वैल्यू देखूँ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की 14 के आसपास चल रही थी, तो मुझे डेबिट स्ट्रेटजी बनाना इस टाइम पर थोड़ा सही लगता है। तो मैं इस ट्रेड को थोड़ा होल्ड भी करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए मैं क्या करूँगा, 36,500 का इन द मनी का कॉल मैं बाई करूँगा और 36,700 का अगर हम देखिए कॉल सेल करते हैं तो 2,200 के आसपास का प्रॉफिट बता रहा है, मैक्सिमम लॉस बता रहा है 2,700 के आसपास का, मार्जिन रिक्वायरमेंट 25,000 के आसपास की बता रहा है, फंड होना चाहिए 25,000। लेकिन मैं क्या करूँगा थोड़ा सा और रिस्क लेते हैं तो 36,800 की कॉल यहाँ पर मैं सेल करूँगा और 36,500 की कॉल बाई करूँगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने 36,500 की कॉल एक लॉट बाई की और 36,800 की कॉल मैं एक लॉट सेल करूँगा। तो मैक्सिमम लॉस मेरा इस ट्रेड में 3,775 का होगा, रिस्क टू रिवॉर्ड भी 1 पे आ गया है। और अगर मेरा ब्रेक इवन देखें तो 36,691 के आसपास का, इसके ऊपर मार्केट रहा तो मेरा प्रॉफिट रहेगा, और मार्केट अगर 36,800 के ऊपर कहीं भी एक्सपायर होता है तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट बन जाएगा। तो इस ट्रेड को मैं प्लेस करके दिखाऊंगा, ऐसी ट्रेड इनको इस ट्रेड को डेबिट स्ट्रेटजी बोलते हैं कि आपने अपना ऑप्शन बाइंग से ही पैसा बनाना चाहते हैं लेकिन अपना लॉस मिनिमाइज करने के लिए ऊपर का एक कॉल हमने सेल कर दिया 130 के आसपास, तो मेरा मैक्सिमम लॉस भी रिस्ट्रिक्ट हो गया। इस ट्रेड को मैं आपको डिलीवरी में प्लेस करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए हमने प्लेस ऑर्डर पे NRML पे रहने देंगे, मार्केट ऑर्डर पर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये मार्केट पे क्लिक किया मैंने और प्लेस ऑल ऑर्डर पर हम क्लिक कर देंगे, NRML है उसे रहने देते हैं और प्लेस ऑल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। तो ये भी पोजीशन हमारी आराम से, क्योंकि हमारे पास 32,000 रुपये है
तो आराम से ये दोनों ऑर्डर फिर से हमारे पास लग जाएंगे दोस्तों। देखिए दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम फिर से एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट पर चलते हैं, यानी ट्रेडिंग टर्मिनल पर चलते हैं, और उसमें देखते हैं कि हमारे ऑर्डर लगे कि नहीं। तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार पेज को आपकी बेटर क्लियरिटी के लिए। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर्स पर हम जाएंगे, ऑर्डर्स में हम देखेंगे तो हमारे ऑर्डर दोस्तों देखिए लग चुके हैं। कैरी फॉरवर्ड में दोनों ऑर्डर लगे हैं, ऑप्शन सेलिंग भी लगी है बैंक निफ्टी का, और एक ऑप्शन बाई का भी लगा है फुल्ली। ये स्क्वायर ऑफ वाले हैं चार ऑर्डर, मतलब दो पहले लगाए थे, दो स्क्वायर ऑफ वाले और दो अभी के जो ऑर्डर हैं कैरी फॉरवर्ड वाले। पहले मैं आपको पोजिशन में दिखा देता हूँ दोस्तों, आप पोजिशन में देख लीजिए हमारी ये चल रही है पोजीशन, करीब अभी 80-82 का लॉस हो रहा है कैरी फॉरवर्ड में चल रही है पोजीशन। तो 36,500 की कॉल बाई है और 36,800 की कॉल सेल है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो ये दोनों ट्रेड चल रही हैं। अब दोस्तों जैसा मैं आपको वहाँ बता रहा था कि इसमें मार्जिन कितना लगा होगा, आपको पहले ही ए डेबिट स्ट्रेटजी है कि इसमें बता रहा है कि आपके पास 26,000 रुपये के आसपास होना चाहिए ना, 22,000 समथिंग कुछ मार्जिन ब्लॉक होगा आपका। तो देख लेते हैं कि उतना ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो फंड पे जाते हैं और देखते हैं कि मार्जिन यूटिलाइज कितना है। तो आप देख सकते हैं यूज्ड मार्जिन इस ट्रेड को करने में सिर्फ 22,286 रुपये हमें लगा है। तो एक अच्छी खासी ट्रेड बन सकती है आपकी 22-25,000 में। अगर आपके पास 25,000 भी रुपये हैं तो आप डेबिट स्ट्रेटजी बना सकते हैं, 35-35,000 रुपये हैं तो आप क्रेडिट स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं 600-700 पॉइंट दूर की बैंक निफ्टी निफ्टी में 300 पॉइंट की। और अगर आपके पास 45,000 रुपये हैं तो आराम से आप एक लॉट निफ्टी बैंक निफ्टी का आराम से, क्योंकि 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है और निफ्टी में 500 पॉइंट दूर का स्प्रेड बहुत बढ़िया होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि 40-45,000 की मार्जिन रिक्वायर्ड होगी दोस्तों। तो इतना ज़्यादा कुछ हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अब, क्योंकि फाइनल मार्जिन है दोस्तों। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अपना अकाउंट ओपन जरूर कराइएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक दी है उससे आपको सारे बेनिफिट जो मैंने बताए हैं आपको। और अगर कोई डाउट है आपको वीडियो से रिगार्डिंग भी अभी भी समझ में नहीं आया, आप मुझे उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा दोस्तों। देखिए वही ट्रेड चल रही है अभी, 900-950 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। मैं आपको फिर से एक बार मार्जिन दिखा देता हूँ कि देखिए 23,000 के आसपास हमें डेबिट स्ट्रेटजी चल रही है और हमारा मार्जिन उतना यूटिलाइज है इसमें। तो 23-24,000 में डेबिट स्ट्रेटजी हमने बना के दिखाई है आपको और 30,000 रुपये में हमने आपको क्रेडिट स्ट्रेटजी बना के दिखाई है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में सारे के सारे आपके डाउट क्लियर किए होंगे। निफ्टी का भी स्प्रेड मैंने आपको बताया कितना मार्जिन लगता है, बैंक निफ्टी का भी बताया, सब कुछ मैंने जो हो सकता था मुझसे वो मैंने बता दिया है। इंट्राडे अगर करना चाहते हैं इक्विटी में तो दोस्तों उसमें आपको मार्जिन मिलता रहेगा 5 times, ये एक अपडेट है। पिछला वीडियो मैंने जो बताया था उसमें आपको बोला था कि इक्विटी में आपको मार्जिन नहीं मिलेगा इंट्राडे में, लेकिन वो ब्रोकर की तरफ से आया था। लेकिन आज क्लियरिफाई है कि 5 times आपको ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग में आपको इक्विटी में मार्जिन मिल जाएगा इंट्राडे में। बाकी ऑप्शन से रिलेटेड सारे डाउट आपके आई होप क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड डे।